रीठी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाला ग्राम खमरिया नंबर 1 के इमलिया जलाशय तालाब की समस्या को लेकर समस्त किसानों में आक्रोश देखा गया। अपनी समस्या से परेशान होकर आगामी आने वाले 28 नवंबर के विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि लगभग 50 एकड़ के एरिया में इमलिया जलाशय तालाब का निर्माण है, जो लगभग 8900 एकड़ रकबे की भूमि को सिंचित करता है। तालाब का निर्माण भूतपूर्व क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह सोलंकी जी के कार्यकाल में 7 जरे नीचे से बना था, पर नेता व अधिकारियों की साठ गांठ होने से 7 जरे ऊपर से बनाया गया। इसी वजह से इस तालाब में जगह जगह से लीकेज होने के कारण पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे हमारी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। तालाब से एक नहर जो 3 किलोमीटर दूरी तक किसानों की फसल सिंचाई के लिए बनाई जानी थी, वह भी नहर न बनवा कर सिर्फ एक नली खुदावा दी गई, जिसके कारण पानी अच्छी तरह से खेतों तक न जाकर पूरा पानी बर्बाद हो जाता है, जिसकी शिकायत हमने सभी अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया, पर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इस समस्या को लेकर जानकारी लेने के लिए जब हमारे संवाददाता हरिशंकर बेन जल संसाधन विभाग रीठी पहुंचे, तो वहां पर सिर्फ एक चौकीदार ही पाया गया, बाकी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। होगा ना आपको की फसल सूखी हो, हमारी बारी ही लिख के दे दिया कि पूरी धान है, बाकी हमको नहीं मिला बीमा। नहीं मिला? हाँ। कौन है पटवारी आपके? राकेश पांडे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा साथी राम चौधरी। चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव का बहिष्कार करो, वोट नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, शासन की हम भी वही परेशानी है। और से जो जब लाखन सिंह विधायक थे, जब से मतलब उनके सामने हुआ है 7 चैन नीचे से, मतलब तालाब का निर्माण 7 चैन ऊपर से तालाब बांधा गया है, जब से लकीज कर रहा कोई सुनाई नहीं। तो नहर वगैरह कुछ भी नहीं खुली तालाब? कोई नहर वगैरह नहीं, वो नाम के लिए है नहर बनाई, नाम के लिए नहर बनाई गई है। तो उस नहर से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो आपकी फसलें तो बहुत सूख जाती होंगी? आप जाके देख लीजिए, पूरी फसल सूख गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? कली भाई। कहाँ की रहने वाली हो? यहीं कमरी है। आप यहाँ के चौकीदार हैं? हाँ। तो साहब लोग कहाँ गए? साहब ड्यूटी लगी। कहाँ? बरही। बरही में? हाँ। कौन है आपके अधिकारी अभी? ठाकुर है। क्या नाम है उनका? नहीं अभी तो हम मुलाकात नहीं हुई। हाँ। तो आए हैं और उनकी ड्यूटी लग गई। आज आए हैं आप? नहीं यहाँ नहीं आए, बरही में। बरही में है? हाँ। तो यहाँ पे कौन कार्य थे है? कौन है यहाँ पे पदस्थ? तो अभी हम चपरासी है, तो वो गए साइड। हाँ। तो यहाँ के अधिकारी कौन है? अधिकारी ठाकुर साहब है, अभी हम नाम नहीं मालूम है उनका। हाँ। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 1984 से। हाँ। तो अभी तक आपने ठाकुर साहब को नहीं देखा? नहीं अभी तो नहीं आए है।
जो बैन साहब चले गए उनके बाद ये आए, उनकी ड्यूटी लग गई वहां पर, वहां चले गए। नहीं तो वर्तमान में इधर होगा ना कोई? कितने लोग यहाँ पे पदस्थ हैं? यहाँ तीन लोग हैं। तीन लोग कौन कौन लोग? असाडी है, एक है वो है कोरी साहब है, एक एक और है उनको नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? पन्नूलाल। दादा मुझे ये बताइए आप कि जो तालाब का निर्माण किया गया है तो उसमें से पानी आपको एक भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, खमरिया को पानी नहीं मिल पा रहा। तो नहर वगैरह तो बनी है ना उसमें? नहर बनी है, नाम ले सके जाने जी। नहर काम लायक नहीं है, डिफाल्टर है पूरी, बांध भी डिफाल्टर है, नहर भी डिफाल्टर है। से हम लोग आज जो जुड़े हैं कि हम सात जिली नीचे से नया निर्माण बांध का किया जाए, तो इसलिए हम सब किसानों को पानी मिले। कहाँ कहाँ शिकायत करी आपने इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर अगर आज 25 साल से कोई ऐसी जगह न बची होगी, विधायक को, सिंचाई विभाग को, यहाँ मंत्री तक कोई सुनाई नहीं हो रही। इसलिए हम चुनाव इस वर्ष शासन का अवहेलना करते हुए हम हमारी हल्का नंबर 27 से कोई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तालाब नहीं तो नहर नहीं तो वोट नहीं, नहर नहीं तो वोट नहीं, तालाब नहीं तो वोट नहीं, शासन की अवहेलना, शासन की अवहेलना, कहाँ से हैं आप? खमरिया। खमरी से है भाई। तो रीठी में भी शिकायत करी आपने? इरिगेशन में शिकायत की, उनकी पावतियां हमारे पास है, कलेक्टर को शिकायत दी, एक बार हमने तो मंत्री को भी शिकायत की, मंत्री ने कह भी दिया, ये सांसद को दिए थे, वो बोल भी दिया कि हम तो हमारे यहाँ खुद वो तो बंधान में उतर के देख रहे हैं, उसका काम करवाए, आज तक कुछ नहीं हुआ। बनी हुई है तो कहाँ से कहाँ तक बनने का प्रावधान है? तो कहाँ तक बनी है? कच्ची नहर अमलिया से खमरिया तक का प्रावधान था, वहाँ तक बनी हुई है, नमूना बना हुआ है, है? बाकी नहर में कोई मरम्मत नहीं है, ना कोई पानी जा पा रहा। वहाँ 3 किलोमीटर की नहर है जिसमें 1 किलोमीटर पानी पास होता है, बाकी 2 किलोमीटर की नहर ऐसे पड़ी रहती है, खमरिया किसानों को बिल्कुल पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज कम से कम 10 साल से 20 साल से इस तालाब का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है खमरिया वालों को। तो पक्की नहर क्यों नहीं बनाई गई? पक्की नहर के लिए मांग करते हैं हर विधायकों से, हर जो भी विधायक होता है उनसे मांग करते हैं, कोई भी आता है बड़ा अधिकारी इरिगेशन विभाग से हो लेके भोपाल तक, कहीं भी अपन चर्चाएं डालते हैं और कह देते हैं कि करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसमें तो पानी की बहुत बर्बादी होती है, किसानों को काफी नुकसान होता है, लीकेज से पूरा पानी निकल जाता है, नदी को जा रहा है, नदी को जा रहा है पूरा पानी लीकेज होके, और थोड़ी बहुत बचा तो इमली हार में लग जाता है, बाकी नहीं खमरिया को नहीं पहुंच पा रहे। जी आप मुझे ये बताइए कि जो सारे खमरिया ग्राम के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो इमलिया खमरिया का डैम बनाया गया है, वह डैम लीकेज है, और जो कि सन 1989 में यह डैम तैयार किया गया, उसे 7 जरीब ऊपर से किया गया, ये कुछ नेताओं की वजह से किया गया, जिससे हमारे खमरिया को उस जलाशय से पानी नहीं पहुंच पा रहा, और हमारे खमरिया की जो फसल है वह सूख जाती है, और हमारे खमरिया के जो सभी किसान भाई हैं वो सूखाग्रस्त रहते हैं। ये सभी तो किसान भाइयों का मांग है, और ये सभी ग्रामवासियों की मांग है कि जब तक हमारा तालाब 7 जरीब नीचे से नहीं बांधा जाएगा, तब तक हम ग्राम खमरिया के सभी लोग मतदान नहीं करेंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? उदल यादव। कहाँ से हैं आप? खमरिया से। आप सिंचाई विभाग के मतलब सदस्य हैं ये, तो इसके जो इन्होंने शिकायत बताई इसके विषय में क्या कहना है तालाब के विषय के? इस विषय में तो हमारे गांव से, ग्रामीण से सभी किसान बंधु शिकायत किए इस तालाब के विषय में कि हमारे यहाँ जो तालाब का भुलका लीकेज है और वो लगभग मैं आज 10 साल से सदस्य हूँ, है, और हमने भी इरिगेशन विभाग में भी अधिकारियों से भी और प्रस्ताव में भी पारित करवाया कि मतलब हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है तालाब की, तो हमारा लीकेज बंद करवाया जाए,
और नहर का सुधार करवाया जाए, लेकिन ना तो शासन सुनती ना तो कोई अधिकारी सुनता और हम लोग सभी किसान भाई परेशान है उससे। तो इसकी शिकायत आपने रीठी इरीगेशन सिंचाई विभाग में की थी? प्रस्ताव करवाए हम लोग, जैसे बैठक लेते हैं हम लोग हर महीने में, दो महीना में, चार महीना में बैठक लेते हैं, उसमें प्रस्ताव डलवाते हैं। प्रस्ताव डलवा आपने जी? तो अभी जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, कौन अधिकारी हैं वहाँ पे? अभी हमारे यहाँ वो हैं SID जी, अभी कम से कम 6 महीने से वो पदस्थापित हुए हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा है, हमारी से। जी जी, आप सभी ग्रामवासियों ने ये जो आगामी विधानसभा चुनाव जो 28 तारीख को होने वाला है मतदान, इसके वजह से मैं बहिष्कार करने का आप लोगों ने फैसला लिया है, तो किस विषय को लेकर की है और जो समस्या आपकी है वो क्या कारण? सब हमारी समस्या सबसे बड़ी तो तालाब की है जी। तालाब को 40-45 वर्ष बंधे हो गए, जिसके लीकेज आज तक बंद नहीं किया गया। कई बार उसमें काम होते हैं, हर वर्ष जैसे हर पंचवर्षीय में काम होते हैं, लेकिन लीकेज आज तक बंद नहीं हुआ। शासन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि शासन पैसा तो दे रही है, लेकिन कर्मचारियों की, कुछ नेतों की ऐसी गड़बड़ी होने के कारण वो लीकेज बंद ही नहीं हो पाता। उसका पानी सब दुरुपयोग हो जाता है, शासन का पैसा लग रहा है और खमरिया वाले इससे अछूते रह जाते हैं। फसल पूरी सूख जाती है आज 5 साल से, पिछले में इसी प्रकार हुआ, पानी न आने के कारण हमारे यहाँ सब फसल सूख गई। बीमा सब जगह बटी, लेकिन खमरिया में बीमा का कोई लाभ नहीं किसानों को मिल पाया। तो बीमा तो मतलब पिछली वर्ष के बांटा गया था, 17 का है, खमरिया का नहीं बटा, 17 का भी नहीं मिला, 17 का नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय भान यादव। कहाँ से हैं? मैं खमरिया से हूँ। कलेक्टर पास शिकायत भी कर रहे हैं।